अस्सलाम वालेकुम। आज हम पूड़ी भाजी और उसके साथ दही और प्याज का कचूमर बनाने वाले हैं। और ये सब्ज़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हमने आलू को धो लिया है, प्याज आलू धो लिया है, हरा धनिया धो लिया है, हरी मिर्च धो लिया है। और आलू को मैं छीलूंगी नहीं, इसको छिलके वाला ही बनाऊंगी। तो अभी हम इसको आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने आलू को काट लिया है चौकोर टुकड़ों में। अभी इसके छिलके नहीं उतारे, छिलके वाले आलू काट लिए हैं। और ये प्याज और हरी मिर्च काट ली है, और आधा चम्मच ज़ीरा है। अब ये देखिए, हमने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और इसमें प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको लाल करके फिर इसमें आलू डालेंगे। अब देखिए, ये मेरी प्याज लाल हो गई है, हम इसमें ये आलू डाल देंगे। ये सब आलू इसमें कुकर में डाल दिए मैंने। अब इसको जो है सब कुकर में आलू डाल के इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा लाल हल्का सा चला लेंगे। फिर हम इसमें एक चाय का पाव चम्मच हल्दी डालेंगे। इसमें अभी आपको दिखा रहे हैं हल्दी, इसमें पाव चम्मच के करीब हम इसमें ये देखिए, ये एवरेस्ट का हल्दी है, हल्दी पाउडर। ये पाव चम्मच के करीब हम इसमें चाय का पाव चम्मच हल्दी डाला है। अब बस इसको मिक्स करके नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और इसको चलाएंगे थोड़ा सा हिला के, थोड़ा सा मिला देंगे अच्छे से इसको। और फिर इसमें हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का, इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे और भूनेंगे। इसमें एक सीटी लगाना है हमको। ये देखिए, ये एक किलो हमने आटा ले लिया है, इसमें सिर्फ हमने नमक डाला है थोड़ा सा बिल्कुल, और हमने इसको मिला लिया है। अब हम इसको गूंदेंगे, और इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला है, प्लेन आटा है, प्योर आटा है गेहूं का। पानी से इसको गूंदेंगे बस। अब ये देखिए, ये हमने आटा गूंद लिया है, और पूड़ी के लिए इसके पेड़े बना रहे हैं। देखिए, पेड़े बन जाएंगे, इससे बिल्कुल सॉफ्ट पूड़ी बनेगी। ये तेल गरम हो गया है मेरा अच्छे से, और अभी हम जो हैं लोई बना के रख लेंगे इसकी, आटे की लोइयाँ बना लेंगे छोटी पूड़ी के लिए। अब ये देखिए, ये हमने पूड़ी अपनी बेल ली है, इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। थोड़ी सी बड़े पेड़े की पूड़ी है तो थोड़ी बड़ी है, और इसको तेल में डाल दिया है। इस तरह से हम अपनी सब पूड़ियाँ बना लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट पूड़ी बनी है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है सिवाय नमक के। ये देखिए, ये अच्छे से मेरी पूड़ी फूल गई है, ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनी। ये देखिए, ये मेरी भाजी पूड़ी और दही का कचूमर बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनी है, एक बार आप इसको ज़रूर बना के देखें। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़।